हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और ऊपर आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो बस आज स्टार्ट कर दिया है व्लॉग मॉर्निंग से, और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने, घर में रहते हुए अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम स्मार्टली अपने घर के सारे काम के साथ अपने लिए भी टाइम निकालें, अपनी जो चीज़ें हमें पसंद हैं उसको हम कैसे करें। तो बस इसी पे मैं आज वीडियो लाई हूँ। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी की ज़िंदगी में अपने घर को संभालना ही सबसे पहली कोशिश होती है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपसे बेहतर आपके घर को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। कई बार हम अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि सब कुछ एक साथ कैसे संभाला जाए। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आजमाकर आप एक होशियार और परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाएंगे। तो पहला पॉइंट है सुबह जल्दी उठना। महिलाओं को सुबह जल्दी उठना कई कारणों से फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सुबह समय व्यायाम और योग के लिए अच्छा समय होता है, जिससे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही में ही सुधार होता है। दूसरा, सुबह का शांत वातावरण ध्यान और मानसिक शांति के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठ के आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं, अपने घर के जो काम काज है उनको भी अच्छे से जल्दी से निपटा सकते हैं। उसमें काम को जल्दी करने के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पूरे हफ्ते की हर चीज़ पहले ही योजना कर लें। एक डायरी या नोटबुक बना लें और उसमें हर चीज़ नोट करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप कुछ भी भूलेंगे नहीं। नंबर 3, एक हाउसवाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने समय को परफेक्ट मैनेज कर लेते हैं तो आपके पास कभी भी समय की कमी नहीं होगी। नंबर 4, जितना काम कर सकती हैं उतनी ही जिम्मेदारी लें। बेवजह लोगों से ऐसे वादा ना कर दें जो आप पूरा ही ना कर सकें। साफ कहना और मना करना सीखें, वरना आप हमेशा परेशान रहेंगे और टेंशन में रहेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, रोजाना टाइम टेबल बनाना टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम टाइम टेबल से चलते हैं ना, तो हमें अपने टाइम को सेट करना और अपनी चीज़ों को ढंग से करना बहुत अच्छे से आ जाता है। इसलिए एक टाइम टेबल बना के चलिए, नहीं तो ना हमें पता ही नहीं लगता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप एक टाइम टेबल से चलेंगे ना, तो आपकी हर चीज़ भी टाइम से होगी और आपके पास टाइम भी बचेगा। अपने हिसाब से ही अपना रूटीन सेट करें। हमें अपना रूटीन अपने हिसाब से सेट करना चाहिए कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है। तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, हमारा समय भी बचता है और हम कामों को ईजिली कर भी लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, स्मार्ट शॉपिंग करें। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी उपयोगिता और ज़रूरत के बारे में विचार करें। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो सोचें कि अगर ये आपके लिए ज़रूरी है तभी उसको लें, बेकार में अपने पैसे को वेस्ट ना करें। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि हम पैसे को कहाँ और कितना और कैसे खर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब है पैसे की बचत, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आपका छोटा है तो बहुत ज़्यादा सामान खरीद कर उसे गोदाम ना बना ले। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, घर छोटा सा होता है और बस भरते रहते हैं। कम सामान होगा तो घर भी साफ लगेगा और सामान को मैनेज करने में भी आसानी होगी। और जितना हमारे घर में कम सामान होता है ना, उतनी गंदगी भी कम होती है और सामान को हम अच्छे से सेट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि बस ये लिया है वो लिया, जगह होती नहीं है, बस भरते रहते हैं। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पुरानी बेकार पड़ी चीज़ों को समय समय पर हटाते रहें।
पुराने अखबार, मैगजीन, रद्दी, समय समय पर कूड़ा कबाड़ा। क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ कुछ ऐसी होती है कि चीज़ों को ना बड़े संभाल संभाल के रख लेती है कि ये भी रख लो, वो भी रख लो। वो काम की नहीं होती है, वो सालों साल वैसे की वैसे ही रखी रहती है। हाँ, उसे एक चीज़ ज़रूर होती है कि गंदगी ज़रूर होती है। तो अगर आपको लगता है ना ये चीज़ आपके काम की नहीं है, तो उसको हटाना ही सही रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर गंदगी फैलाती है और हमारी जगह को भी घेरती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि साफ़ सफाई रखना। इसमें साफ़ सफाई भी आ जाती है कि अगर हम चीज़ों को जितना हो सके अच्छी चीज़ों को रखें, जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको बाहर फेंकें, तो इससे हमारा आधे से ज़्यादा घर तो वैसे ही साफ हो जाएगा। तो बात करते हैं अगली, पूरे महीने का बजट प्लान बनाकर चलें। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना पैसा आप अपने शौक़ पूरा करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर एक बजट बना के चलेंगे ना, तो इससे आपकी जो ज़रूरती चीज़ें हैं वो भी पूरी हो जाएगी। बाकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हैं ना अपनी खुशी के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, घर के हर सदस्य को यह आदत डलवाइए कि वह चीज़ जहाँ से उठाएँ उसे वापस वहीं रखें। इससे सामान इधर उधर फैला और बिखरा नहीं रहेगा, और ज़रूरत के समय चीज़ें आसानी से भी मिल जाएगी। नहीं तो क्या होता है ना, घर में एक चीज़ उठाते हैं और कहीं और रख देते हैं, फिर पागलों की तरह उसको ढूंढते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर हम ये आदत एक माँ को ही डलवानी पड़ती है घर में कि कैसी चीज़ करनी है, क्या करना है। तो अगर हम हाउसवाइफ, एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली मेम्बर को थोड़ी सी आदतें चेंज करवानी ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रात को ही अपना सारा काम निपटा लें ताकि सुबह आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर आपको सुबह कुछ बनाना है, तो रात को ही उसकी तैयारी करके रख लीजिए, या आपको लगता है कि आपके फैमिली में कोई कुछ स्पेशल खाना चाहता है, तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसकी सारी तैयारी अगर हम रात को ही करके रख लेंगे ना, तो सुबह हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अगर हम रात को ही कर लें, तो हमें सुबह काफ़ी टाइम बच सकता है। तो अपने वो कामों को अगर आप रात को कर लेते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और परफेक्टली आप काम भी कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, खाना हिसाब से बनाएं, वरना अतिरिक्त खाना बनाने पर बासी भोजन बर्बाद हो जाएगा। मतलब खाना अगर आप बना रहे हैं ना, तो बड़ा सोच समझ के बनाइए कि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि अन्न का अपमान करना नहीं चाहिए। हमें अन्न को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाना उतना ही बनाएं क्योंकि बासी ना बचे, हमें फेंकना ना पड़े। तो इसका भी एक हिसाब बना के चलिए, क्योंकि बासी खाना तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और कहते हैं ना कि जो हम रात को आटा गूंथते हैं, वो आटा हमें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपको रात को रोटी बनानी है, तो उसके हिसाब से ही आटा गूंथिए कि आटा बिल्कुल भी ना बचे, आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बच्चों को अपना कमरा और स्टडी टेबल खुद साफ़ करने दें। इससे एक तरफ उन्हें सफाई का महत्व समझ आएगा और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ वही है जो अपने परिवार को भी साथ लेकर चले, उनको सिखा के चले कि कैसे काम को मैनेज करना है और कैसे नहीं। अपने साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान दें। तो फ्रेंड, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर कभी परेशान ना हो, कभी टेंशन में ना आए, खुश रहें, संतुष्ट रहना सीखें, तभी आप लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं बिना टेंशन के। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।